सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई, लगातार बैठकों का दौर जारी है और खासकर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी ऐसी कई बातें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, चाहे वासु की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले या फिर लोजपा की बात कर लें, सभी लोग अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। पहला रिएक्शन हम आदित्य जी से लेंगे जो भाजपा के राज्यसभा सांसद। आदित्य जी, बैठकों का दौर लगातार जारी है, जो एनडीए में शामिल जो पार्टी है वो लगातार बैठक कर रहे हैं, जेडीयू भी बैठक कर रही है, आसू भी कर रही है, सभी लोग का ये मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सीट मिले। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है खासकर बीजेपी में? देखिए, एनडीए गठबंधन यहां पर एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से सीट शेयरिंग का मामला है तो केंद्रीय नेतृत्व का एक विषय है। केंद्र के हमारे नेता, प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेतागण एक साथ बैठेंगे और एनडीए के लोग भी बैठेंगे, उसके बाद ही सीट शेयरिंग के मामले में विचार किया जाएगा। इसलिए तैयारी तो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं तो चुनाव लड़ने की तैयारी करते ही लोग करना भी चाहिए, लेकिन आपसी सहमति के आधार पर हम सभी लोग मिलजुल करके यहां पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जेडीयू कह रही है कि 12 से 16 सीट के बीच हमारी बातें होंगी, लोजपा अलग कह रही है, आसू का अलग कहना है। 81 विधानसभा सीटों का ये झारखंड है, असेंबली इलेक्शन है, तो कैसे मैनेज करेंगे, ऐसा ना हो कि फिर मतभेद फिर से शुरू हो जाए आपस में गठबंधन के बीच? नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं है, एक ही विषय है कि कैसे ये जन विरोधी सरकार जो है उसको झारखंड से हटाना है, अमन चैन का माहौल इस राज्य में कायम करना है। इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में कहीं प्रकार कोई तफरका होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, सभी लोग सुलझे हुए लोग हैं, आपस में मिल बैठ करके रणनीति बना करके वो तय कर लिया जाएगा। पिछले बार जो 2019 की इलेक्शन हुई थी उस समय भी सीट शेयरिंग को लेकर आसू से बातें नहीं बनी थी, वो अकेले लड़ा था और भी जो पार्टियां थी वो भी अकेले लड़ी थी, आप अकेले लड़े थे, तो क्या ऐसा कोई समीकरण तो नहीं बन रहा ना अभी खासकर एनडीए में? ना, इस तरह कोई बात नहीं है, स्थिति परिस्थिति बदलते रहती है। अभी एक ही इशू है, एक ही विषय है कि जो लगातार 5 वर्षों तक जो झारखंड को जो लूटखंड बना के लोगों ने रखा है उससे निजात दिलाना, चूँकि 3.5 करोड़ लोग आज तबाह हैं, लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, आम जन ये सोच रहा है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनती है तब तब यहाँ पर विकास गंगा बहती है और लोगों का कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर दिखाई पड़ती हैं। वो तो मन से चुनौती भी दे रहे हैं भाजपा के लोगों को, हेमंत सोरेन। नहीं तो 2019 से भी चुनौती दे रहे थे, 2019 जो उन लोगों ने जनता के बीच जा करके अपनी बातों को रखा था, अब उन बातों का क्या हुआ? आखिर 5 साल तक जो काम नहीं कर पाए, अब 1 साल 1 महीना में चुनाव बचे हुए हैं और इस बीच 1 महीना में तरह तरह का वादा करना, प्रलोभन देना, विज्ञापन निकालना, आखिर जनता तो मूर्ख नहीं ना, जनता सब समझती है कि आपने तो 5 साल के लिए सरकार बनाया था, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपको काम करने के लिए किसने रोका था? आप स्वतंत्र थे काम करने के लिए, आखिर क्या आफत आ गया कि आप 4 साल 10 महीना काम नहीं किया, 2 महीने में ताबड़तोड़ घोषणा, ताबड़तोड़ विज्ञापन, ताबड़तोड़ प्रलोभन, तो जनता समझती है। सब ऑल इज वेल है पार्टी के अंदर, एनडीए गठबंधन के अंदर? निश्चित रूप से सभी लोग एक ही है कि इस सरकार जो जन विरोधी सरकार इस राज्य में, जनता का कल्याण करने वाला सरकार नहीं है, उसको हटा करके जो जनता के बारे में चिंता करती है, समाज के बारे में चिंता करती है, गरीब गांव किसान मजदूर के बारे में चिंता करती है, वो नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के लोगों ने देखा है कि देश आज़ाद होने के बाद 70 वर्षों तक जो काम नहीं किए गए वो आज आम आदमी, गरीब आदमी सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो गरीबों का पहली बार चिंता किया है, और यदि ये चिंता, इस प्रकार की चिंता यदि देश के आने वाली सरकार पहले की होती, पहले प्रधानमंत्री की होते, तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता और देशवासी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। चलिए, एनडीए के अंदर बिल्कुल सब कुछ ऑल इज़ वेल है और ये राज्यसभा सांसद आदित्य साहू थे अपने वीडियो जनसंपर्क के साथ, सूरज, न्यूज नेशन, रांची। असेंबली इलेक्शन आते ही सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई, लगातार बैठकों का दौर जारी है और खासकर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी ऐसी कई बातें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, चाहे वासु की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले या फिर लोजपा की बात कर ले, सभी लोग अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। पहला रिएक्शन हम आदित्य जी से लेंगे जो भाजपा के राज्यसभा सांसद। आदित्य जी, बैठकों का दौर लगातार जारी है, जो एनडीए में शामिल जो पार्टी है वो लगातार बैठक कर रहे हैं, जेडीयू भी बैठक कर रही है, आसू भी कर रही है, सभी लोग का ये मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सीट मिले।
सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है खासकर बीजेपी में? देखिए, एनडीए गठबंधन यहाँ पर एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से सीट शेयरिंग का मामला है तो केंद्रीय नेतृत्व का एक विषय है। केंद्र के हमारे नेता, प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेतागण एक साथ बैठेंगे और एनडीए के लोग भी बैठेंगे, उसके बाद ही सीट शेयरिंग के मामले में विचार किया जाएगा। इसलिए तैयारी तो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं तो चुनाव लड़ने की तैयारी करते ही लोग करना भी चाहिए, लेकिन आपसी सहमति के आधार पर हम सभी लोग मिलजुल करके यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जेडीयू कह रही है कि 12 से 16 सीट के बीच हमारी बातें होंगी, लोजपा अलग कह रही है, आसू का अलग कहना है, 81 विधानसभा सीटों का ये झारखंड है, असेंबली इलेक्शन है, तो कैसे मैनेज करेंगे? ऐसा ना हो कि फिर मतभेद फिर से शुरू हो जाए आपस में गठबंधन के बीच। नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं है, एक ही विषय है कि कैसे ये जन विरोधी सरकार जो है उसको झारखंड से हटाना है, अमन चैन का माहौल इस राज्य में कायम करना है। इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में कहीं प्रकार कोई तफरका होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। सभी लोग सुलझे हुए लोग हैं, आपस में मिल बैठ करके रणनीति बना करके वो तय कर लिया जाएगा। पिछले बार जो 2019 की इलेक्शन हुई थी उस समय भी सीट शेयरिंग को लेकर आसू से बातें नहीं बनी थी, वो अकेले लड़ा था और भी जो पार्टियाँ थी वो भी अकेले लड़ी थी, आप अकेले लड़े थे, तो क्या ऐसा कोई समीकरण तो नहीं बन रहा ना अभी खासकर एनडीए में? ना, इस तरह कोई बात नहीं है, स्थिति परिस्थिति बदलते रहती है। अभी एक ही इशू है, एक ही विषय है कि जो लगातार 5 वर्षों तक जो झारखंड को जो लूटखंड बना के लोगों ने रखा है उससे निजात दिलाना। चूँकि 3.5 करोड़ लोग आज तबाह हैं, लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, आम जन ये सोच रहा है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनती है तब तक यहाँ पर विकास गंगा बहती है और लोगों का कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर दिखाई पड़ती हैं। वो तो मन से चुनौती भी दे रहे हैं भाजपा के लोगों को, हेमंत सोरेन। नहीं तो 2019 से भी चुनौती दे रहे थे, 2019 चुनौती जो उन लोगों ने जनता के बीच जा करके अपनी बातों को रखा था, अब उन बातों का क्या हुआ? आखिर 5 साल तक जो काम नहीं कर पाए, अब 1 साल 1 महीना में चुनाव बचे हुए हैं और इस बीच 1 महीना में तरह तरह का वादा करना, प्रलोभन देना, विज्ञापन निकालना, आखिर जनता तो मूर्ख नहीं है? जनता सब समझती है कि आपने तो 5 साल के लिए सरकार बनाया था, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपको काम करने के लिए किसने रोका था? आप स्वतंत्र थे काम करने के लिए, आखिर क्या आफत आ गया कि आप 4 साल 10 महीना काम नहीं किया? 2 महीने में ताबड़तोड़ घोषणा, ताबड़तोड़ विज्ञापन, ताबड़तोड़ प्रलोभन, तो जनता समझती है। सब ऑल इज वेल है पार्टी के अंदर, एनडीए गठबंधन के अंदर? निश्चित रूप से सभी लोग एक ही है कि इस सरकार जो जन विरोधी सरकार इस राज्य में, जनता का कल्याण करने वाला सरकार नहीं है, उसको हटा करके जो जनता के बारे में चिंता करती है, समाज के बारे में चिंता करती है, गरीब गांव किसान मजदूर के बारे में चिंता करती है, वो नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के लोगों ने देखा है कि देश आज़ाद होने के बाद 70 वर्षों तक जो काम नहीं किए गए वो आज आम आदमी, गरीब आदमी सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो गरीबों का पहली बार चिंता किया है। और यदि ये चिंता, इस प्रकार की चिंता यदि देश के आने वाली सरकार पहले की होती, पहले प्रधानमंत्री की होते, तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता और देशवासी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। एनडीए के अंदर बिल्कुल सब कुछ ऑल इज़ वेल है और